फ्रेंड्स, आज हम वी नेक लाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइनर वी नेक लाइन होगा जो बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाऊंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने पेपर पेस्टी लिए, इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है इसको। अब हम गले की जो चौड़ाई है वह है 2.5 इंच, इसलिए हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ से गले की लंबाई लेंगे, वह लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से वी शेप का एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम 1 इंच यहाँ से भी निशान लगाएंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाले भाग की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमने जो निशान लगाया है वी शेप का, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारा वी नेक कट गया है। अब इसमें हम कपड़े पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम इस पे प्रेस से अटैच कर लेंगे। हमने प्रेस से इसे चिपका लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग कर दी। सिर्फ 1/2 इंच हमने इसमें फोल्ड के लिए रखा है, पहले इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद में हम कुर्ती लेंगे। ये कुर्ती के मैंने इसमें बीच सेंटर में से कट लगा रखा है। यहाँ से हम गला लगाएंगे, इसमें भी मैं कट लगा दूंगी छोटा सा। इस तरह से मैं एक सिलाई यहाँ पर लगाऊंगी। हमने सिलाई लगा ली है, अब जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर छोटा सा कट देंगे ताकि पलटने में आसानी रहेगी। उसके बाद में हम इसे इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे।
और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमने वी नेक बना लिया है। अब इसके ऊपर हम डिजाइन लगाएंगे। डिजाइन हम इस कपड़े की लगाएंगे। सबसे पहले हमने ये 6 इंच कपड़े की चौड़ाई ली है और लंबाई हमने जितने में डिजाइन बनानी है उस हिसाब से हमने इसकी लंबाई इंच रखी है। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे उल्टी साइड में और इसे सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे। हमने इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लिया है और साथ में हमने लूप्स भी बना लिए हैं। अब हम पहले इस पट्टी को इस साइड में हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ से इस पट्टी को कट कर देंगे। और एक सिलाई अब इस साइड में लगाएंगे। एक साइड इस तरह से हम रखते हुए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रखते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है। एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड में हम सिलाई लगाएंगे, साथ साथ में हम ये लूप्स भी साथ में इसमें लगाते जाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे हमें कितने कितनी दूरी पे हमें लूप्स लगाना है। यहाँ से 2 इंच की दूरी पे हम लूप्स लगाएंगे।
तरह हम जहाँ पर निशान लगाए हैं इस तरह हम लूप्स को अंदर रख के इसकी गले पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम लूप्स लगा लेंगे। ये हमने सारे में इसमें लूप्स में सिलाई लगा ली है, साथ में हमने ये शो बटन भी लगा लिए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही है डिजाइन बनके। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।